हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और ये है सर्कुलर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कि आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं 9 के या हैं 11 के, तो आपको दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अगर आप टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, एग्जामिनेशन हेड हैं या हेड ऑफ स्कूल हैं, एचओएस हैं, तो ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का हिस्सा, यानी कि टीचर हैं तब भी, स्टूडेंट हैं तब भी, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट है। एग्ज़ाम कैसे बच्चों के ऑनलाइन करवाने हैं अभी, जो कि बच्चे रह गए हैं। तो दोस्तों ये है, अगर आप 9th और 10th में स्टूडेंट हैं, 9th और 10th का एग्ज़ाम आपने नहीं दे पाए आप, या आप फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आइए है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट में हो, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं टीचर्स के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी हो जाती है, सुनिश्चित किए, हेड ऑफ स्कूल की, एग्जामिनेशन इंचार्ज की, क्लास टीचर की एंड सब्जेक्ट टीचर्स की। तो सब्जेक्ट टीचर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट तो सामने है ही। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट टीचर्स विल कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक बच्चे से सब्जेक्ट टीचर्स कॉन्टैक्ट करेगा। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आपका री एग्ज़ाम हो पाए अच्छे से। और अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं, तो आपने अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करना, किसी भी कंडीशन में आपने उसे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो दूसरा पॉइंट यही है कि अगर बच्चा एक एग्ज़ाम नहीं दिया, उसने छूट गया कोई भी रीज़न हो, तो वो एक ही प्रोजेक्ट असाइनमेंट करेगा। अगर उसके बाद 2 नहीं दिए तो 2 करेगा, और अगर उसने 3 एग्ज़ाम नहीं दिए तो 3 करेगा। यानी कि जितने भी उसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो एग्ज़ाम नहीं उसमें कंपार्टमेंट आए, तो उतने ही वो एग्ज़ाम दोबारा देगा। बहुत ही ज़रूरी ये एक अपडेट है। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे हैं कि जो स्कूल है वो नोटिस करेगा, पहला काम वो स्टूडेंट को एक इंटीमेशन यानी कि सूचना देगा बच्चे को, दूसरे की रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट प्रोजेक्ट अलॉट, तो अलॉट करने हैं प्रत्येक स्टूडेंट को, तीसरा उसका रिकॉर्ड रखना है, और चौथा यहाँ पर MIS जो मॉड्यूल है वहाँ पर अपलोड करना है बच्चे का जो भी रिजल्ट है। अगली चीज़ है कि लिंक यहाँ पर जो भी ऑनलाइन रिजल्ट है वो 18 से 24 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी कि आपने जिस भी बच्चे को ऑनलाइन प्रोजेक्ट करने के लिए दिया है, वो 24 तारीख तक टीचर जो है वो बच्चा आपको लाके देगा। आप बच्चे को प्रोजेक्ट देंगे और बच्चा आपको रिटर्न करेगा, और उसके बाद आपको 18 से 24 अगस्त तक उसे अपलोड करना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा, तो उसे रिजल्ट के लिए भी तैयार करना है। अगले देखो, लिंक ऑनलाइन एंट्री ऑफ द मार्क्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स, तो सब्जेक्ट टीचर्स के लेवल में वो किया जाएगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट टीचर्स उन्हीं बच्चों का यहाँ पर ऑनलाइन जो अपडेट करेगा वो भी 18 से 24 अगस्त। तो सब्जेक्ट टीचर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद 24 अगस्त के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सब्जेक्ट टीचर्स की होगी। अगला है यहाँ पर कि 40 नंबर का यानी कि 40 मार्क्स का ही वो होगा, और वो अपलोड करने हैं यानी कि मॉड्यूल में, MIS मॉड्यूल में मैंडेटरी है यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को वो देना, और असाइनमेंट प्रोजेक्ट वो वापस करना, यानी कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए, तो सभी को वहाँ पर देना है और साथ में रिटर्न करना है एक टाइम पीरियड में। और यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी बच्चा टाइम पीरियड में उसे रिटर्न नहीं करता प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है टीचर बच्चों को देगा और घर से करने के लिए, तो बच्चे घर से करने के लिए टाइम पीरियड मिलेगा आपको, उसी टाइम पीरियड में आपको वो रिटर्न करना है। जो भी बच्चा नहीं कर पाएगा वो अपने नेक्स्ट जो ईयर एग्जाम है क्लास में वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पीरियड में आपने वो वापस भी करना है। तो यहाँ पर देखिए कि अपलोड करने हैं, आपने रिकॉर्ड रखना है 2 कॉपी, एक सब्जेक्ट टीचर्स के पास होगा और दूसरा स्कूल यानी कि एग्जामिनेशन के पास होगा। अगला देखो, यहाँ पर आपने प्रत्येक बच्चे को इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें आपने वर्कशीट दे दी, प्रोजेक्ट दे दिया, तो प्रोजेक्ट जो है 40 मार्क्स का होगा, उसे आपने अपलोड कर दिया। उससे पहले अपने बच्चे को बताना है कि 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में या 4 दिन में कितने दिन में बच्चा उसे वापस करेगा। आपको एक टाइम डेडलाइन दे दी जाएगी, उसी दौरान आपको वापस करना होगा, और रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा कब, 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को 9th और 11th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ताकि बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो पाए। तो टोटली यहाँ पर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा हो पाएगा अब पास, जो भी बच्चा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहा था, यानी कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।